जब भारत में भुखमरी 101वें नंबर पर थी, उस समय देश का नालायक प्रधानमंत्री भारत का कौन था? वो नरेंद्र मोदी था। मैं अपना कालर खड़ा करके कह सकता हूँ कि मैं ऐसे ढोंगी को वोट नहीं दिया। सारे काम पिछली सरकार ने करा तो तुम्हें क्या यहाँ ठेंगा दिखाने के लिए लाए थे? प्रशासन तेरा, शासन तेरा, गद्दी पे तू बैठा, कुचलने आ गया नेहरू यहाँ है? सारे काम नेहरू ही करने आता है यहाँ से। अनपढ़ को अगर हम लोग गद्दी पे बैठाएंगे तो यही काम होगा। अब चुनाव आ रहे हैं तो अब कहेंगे लैपटॉप देंगे। 5 साल में क्या झुनझुना दिया? वो जनता वही झुनझुना तो बजा देगी अब के, जो 5 साल में प्रदेश की जनता को दिया। ना यूपी में, ना उत्तराखंड में, ना पंजाब में, ना गोवा में, ना मणिपुर में, और 2022 के अंत में गुजरात में भी इनका पत्ता साफ होने वाला है। ये जनता करेगी। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं पीआरबी न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ। ताऊ, पहला सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि 4.5 साल में उनके राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ है। बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। हत्याएं कितनी हुई? दंगा क्यों नहीं हुआ? कितने दंगे हुए? हत्याएं कितनी हुई? बच्चियों के साथ बलात्कार कितने का हुआ? चीरहरण कितने हुए? भ्रष्टाचार कितना हुआ? और सबसे पहली चीज़ तो इनके राज में चीरहरण हुआ, जो महाभारत काल में हुआ था। दूसरी चीज़, इनके राज में पहली बार किसानों को गाड़ी से रौंद के उनकी हत्या की गई, ये भी पहली बार हुआ। क्योंकि जिस आंदोलन को भारत सरकार नहीं तोड़ पाई, कोई सी प्रदेश सरकार नहीं तोड़ पाई, जिस आंदोलन को भारत सरकार नहीं कुचल पाई, उस आंदोलन में किसानों को कुचलने का ये काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसी सरकारें हमारे हिंदुस्तान में कभी नहीं चाहिए, ये जनता की मांग है। योगी तो ये भी कह रहे थे कि जो ये दंगे का जो षड्यंत्र है, ये पिछली सरकार जो है वो रचती हुई आई है। सारे काम पिछली सरकार ने करा तो तुम्हें क्या यहाँ ठेंगा दिखाने के लिए लाए थे? हर काम पिछली सरकार, प्रशासन तेरा, शासन तेरा, गद्दी पे तू बैठा, कुचलने आ गया नेहरू यहाँ है? सारे काम नेहरू ही करने आता है यहाँ से, पिछली सरकार करने आ गई। यही तो, अनपढ़ को अगर हम लोग गद्दी पे बैठाएंगे तो यही काम होगा। योगी आदित्यनाथ को अनपढ़ कह रहे हैं। और अनपढ़ तो है ही, अनपढ़ ढोंगी गंवार, ये उसकी संज्ञा है। क्योंकि उसे ये नहीं पता कि पूजा मूर्ति की तरफ मुँह करके की जाती है या कैमरे की तरफ की जाती है। ऐसा मुख्यमंत्री आप लोगों ने बैठा दिया। हम लोगों ने क्या, आपने वोट नहीं दिया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को? नहीं, मैंने नहीं दिया। मैं अपना कालर खड़ा करके कह सकता हूँ कि मैं ऐसे ढोंगी को वोट नहीं दिया। अब अमित शाह जो है वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया भारत बनाया, भारत को एक नई उपलब्धि दी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी उपलब्धि दी है उसके लिए। नई पहचान, बिल्कुल नई पहचान दी है। और जो उनके अंधभक्त चाचा हैं, जरा वो भी कान खोल के सुन ले कि 2014 में जब भारत गरीबी में 56वें नंबर पर था, आज गरीबी में भी 116 देशों में सेंचुरी पार कर चुका, ये उपलब्धि है। बजाओ ठोको ताली। तो अगर बाहर देशों में भी तो उनका डंका बज रहा है ना, पाकिस्तान, चाइना हो या फिर बाकी देश हो, उनसे तो अब लोग पहचान तो रहे हैं ना नरेंद्र मोदी को। आप बिल्कुल पहचान रहे हैं कि भुखमरी में पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया, बांग्लादेश को भी पीछे छोड़ दिया, नेपाल को भी पीछे छोड़ दिया, तो ये तो पहचान तो होगी कि कौन, कि जब भारत में भुखमरी 101वें नंबर पर थी, उस समय देश का नालायक प्रधानमंत्री भारत का कौन था? वो नरेंद्र मोदी था। और ये तो कह रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मैं राशन दे रहा हूँ। राशन नहीं मिल रहा है? ये राशन होता है क्या? राशन का मतलब होता है क्या होता है? राशन में दाल, चावल, चीनी, तेल, नमक, केरोसिन, ये सब होता है, तब राशन बनता है। और ये क्या दे रहा, गेहूँ या चावल? तो राशन कैसे कह सकता है? ये कहे कि मैं 5 किलो गेहूँ तुम्हें दान कर रहा हूँ। आरएसएस के जो वो है प्रमुख भगवत मोहन भागवत, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो आबादी बढ़ रही है उसको एक खतरा बता रहे हैं वो।
पहले अपने आदमी ये सिद्ध करें। इनका एक बाप कहता है कि 10 बच्चे पैदा करो, एक बाप कहता है 5 बच्चे पैदा करो, और चुनाव आ रहे हैं तो मुस्लिमों पे आ गए हैं। और मुस्लिमों की आबादी देखो और हिंदुओं की आबादी देखो, अगर भारत में जनगणना हो गई और NRC लग गई तो उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, 83% हिंदू इफेक्ट होगा उसमें, कर ले। मुस्लिमों को तो सिर्फ डराना है, बाकी कुछ नहीं। मैं दावा करता हूँ 83% हिंदू इफेक्ट हो जाएगा उससे, और ना ये कुछ करेंगे, अच्छा काम ये कर नहीं सकते। देश में बंटवारा नफरत के अलावा अगर ये कुछ भी कर दें, ये पहले हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, इस बार हिंदू मुस्लिम एक हो गया, तो इन्होंने लखीमपुर खीरी में सिख बनाम हिंदू करना शुरू कर दिया, वो सिमाला, तो अब जातिवाद में आ रहे हैं, कहीं SC से लड़ाएंगे। तो आपको क्या लग रहा है, इससे पहले जो सरकारी थी उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, पहले भी तो दंगे होते थे ना? एक चीज बताइए, पहले दंगे होते थे, आज भी दंगे हो रहे हैं, तो फिर तुम ये कैसे कहते हो कि हम भारत के रखवाले हैं? कहो कि पहले वाले भी राक्षस थे, हम भी राक्षस हैं, फिर तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे हो जाएगी, बताओ। योगी सरकार तो कह रही है ना हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए। क्यों दंगे? ये तो दंगों से भी बुरा है कि नरसंहार कर रहे हो, कि जो आदमी सड़क पे शांतिपूर्वक जा रहे हैं और तुम उन पे जो है गाड़ियां चढ़ा के उनकी हत्या कर रहे हो, इससे बड़ा नरसंहार और क्या होगा? क्या होगा इससे बड़ा नरसंहार? देश का गृह मंत्री वो अपराधी, गृह राज्य मंत्री वो अपराधी, बताइए कितने % अपराधी हैं BJP के अंदर, तो कैसे कह सकते हो कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद है? आप RSS का कट्टर विरोध करते आए हैं, इतनी बड़ी पार्टी की लोकसभा मेंबर जो है प्रज्ञा ठाकुर ये कह रही हैं कि RSS के राज में ही जो हिंदू हैं वो सुरक्षित है, RSS है तो हिंदू सुरक्षित। देखिए बंगाल में चुनाव हुए, पूरा बंगाल का हिंदू खतरे में था, चुनाव खत्म हुए, BJP हार गई, हिंदू खतरे से बाहर आ गया। अब यहाँ चुनाव आ रहे हैं, यहाँ हिंदू खतरे में, बता देंगे, चुनाव खत्म, हिंदू खतरे से बाहर। तो ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये धर्म का चश्मा उतार के देख लो, ये तो सारी BJP और RSS खतरे में है। शिक्षा की बात हो या किसी चीज़ की बात हो, हमेशा योगी सरकार पर जो है वो सवाल आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला लिया है कि 1 करोड़ स्टूडेंट्स को जो है वो लैपटॉप फ्री में दिया जाएगा। लॉलीपॉप नहीं लैपटॉप। आप कह रहे हैं लॉलीपॉप देंगे? 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठाओ, उसमें देखो क्या क्या वादा किया था, तो 5 साल हो गए, कहाँ गया पैसा? अब चुनाव आ रहे हैं तो अब कहेंगे लैपटॉप देंगे, 5 साल में क्या झुनझुना दिया? वो जनता वही झुनझुना तो बजा देगी अब, क्या जो 5 साल में प्रदेश की जनता को दिया है। तो ये एक चुनावी वादे होते हैं, और फिर कहेंगे कि ये तो एक जुमला था, जैसा प्रधानमंत्री ने जुमला दिया था 15 लाख और 2 करोड़ नौकरियों का, वही जुमला। तो ये भी अगर दे तो जुमला, ना दे तो फिर सवाल आरोप लगाते हैं। देखिए देना वो होता है जो तुरंत कर दिया जाए, उसे देना कहते हैं। अगर इसको देना था, देगा किसे? 2 साल से तो शिक्षा नहीं चली। विदेश में कोयला खत्म हो रहा है तो कह रहे हैं कि जो ये कोयला इसलिए खत्म हो रहा है, मुस्लिमों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है वो कोयला सेकते हैं, वो कबाब सेकते हैं, इसलिए जो कोयला खत्म हो रहा है, इस पे मुसलमानों पे आरोप लग रहे हैं। ये कौन है, ये लोग कौन है? अगर कोई ऐसे कहता है वो देशद्रोही होगा। कोयले के सारे खदान अडानी को बेच चुका है और इसलिए खत्म हो रहे हैं? नहीं, खत्म नहीं हो रहा। ये प्राइवेट का जो तुम्हें प्राइवेटाइजेशन बताते हो ना, ये उसका इफेक्ट दिखाया जा रहा है कि अडानी के हाथ में देश का सारा कोयला हो गया। अब अडानी अपनी मर्जी से सरकार को अपने रेट पे कोयला बेचेगा, और ये दिखाना चाहेंगे कि उसे रेट बढ़वाना है। और जिस तरीके से आज कोयले को ये खत्म बता रहे हैं, इसी तरीके से तुम्हें अनाज पे भी करेंगे। तभी तो ये किसान लड़ रहा है तुम लोगों के लिए। किसान को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है देश की गरीब जनता, मजदूर,
डेली कमाने वाला, रेडी पटरी वाला छोटे दुकानदार, वो मर जाएंगे भूखे। जिस तरह कोरोना काल में ऑक्सीजन से मरे हैं, ऐसे मर जाएंगे, ऑक्सीजन के बिना मरे हैं, ऐसी रोटी के बिना मर जाएंगे, इसलिए किसान लड़ रहा। हरिंदर दाव, एक आखिरी सवाल यह है कि हाल ही में एक सर्वे जारी किया गया था जिसमें बीजेपी को 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 4 राज्यों में बीजेपी को है जो बढ़त बताई गई थी। कह रहे थे 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुमत से सरकार बनाएगी। पांचवा कौन सा राज्य छोड़ा उन्होंने? पंजाब। क्यों? पंजाब में तो इनकी सरकार थी पिछली बार। क्या हुआ पंजाब में? कह रहे पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिलेगी। कारण क्या है कि पंजाब हार रहे हैं? वही बताओ बस, बाकी को तो हम देख लेंगे। कारण पूछा उनसे। ये सर्वे करने वाले चाटुकार, दो दो रुपए में बिकने वाले ये पत्रकार, पत्रकार कहते हुए शर्म आती है। सर्वे कर रहे हैं, सर्वे तो जनता बताती है, सर्वे कर रहे हैं हम बता देंगे। ना यूपी में, ना उत्तराखंड में, ना पंजाब में, ना गोवा में, ना मणिपुर में, और 2022 के अंत में गुजरात में भी इनका पत्ता साफ होने वाला है, ये जनता करेगी। तो ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, जिन्हें तो अब सर्वे पर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने ये साफ कर दिया है कि ये पंजाब छोड़िए, किसी भी राज्य में इनकी सरकार जो है वापस नहीं आएगी। साथ ही 2022 के अंत में गुजरात में भी इनकी सत्ता जो है वो जाने वाली है इनके हाथ से। तो सत्ता आती है बीजेपी के हाथ से, जाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहें PRB न्यूज़। धन्यवाद।